हाँ बोलो बेटा। हेलो बाबा, मैं घर वापस आ रहा हूँ। बाबा आज भी वही स्वाद? और लाऊं? आराम से बाबा, सब कुछ एक ही बार में खिलाओगे क्या? तेरे जाने से पहले ढेर सारे बना के दूंगा ना। कहाँ जाने से पहले? वापस अमेरिका। कौन जा रहा है? अब तेरी पढ़ाई खत्म हो गई है तो नौकरी भी तो। मुझे नौकरी मिल गई है इंडिया में। इंडिया में कहाँ? यहाँ। खेत तो एकदम खिलखिला रहा है बाबा। आप नौकरी से रिटायर हुए पर काम से नहीं? हाथ पैर चलते रहने चाहिए। हाँ ये बात भी सही है। तुमने बताया नहीं क्या बाबा? यहाँ क्या करने वाले हो? बाबा मैं अमेरिका पढ़ने जरूर गया था पर काम अपने देश के लिए करना चाहता हूँ, अपनी मिट्टी के लिए। मैं समझता हूँ तुम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो गए हो, तुम्हारा योगदान यहाँ अमूल्य रहेगा, पर फिर भी नेटको में नौकरी मिली है बाबा। नेटको? बट वो तो फार्मा। लो आप भी तो वहीं से रिटायर हुए हो और आपको नहीं पता? पर क्या? नेटको का नया डिवीजन क्रॉप हेल्थ साइंसेस। ओ क्रॉप हेल्थ साइंसेस। अरे सिद्धार्थ बेटा तुम कब आए? नमस्ते डाकी अंकल। जीते रहो जीते रहो। महेंद्र जी। हाँ जी। लड़का विलायत से पढ़ाई पूरी करके लौटा है और आप मिठाई तक नहीं खिलाए। अरे एक बार नहीं दो दो बार खिलाऊंगा, वो भी अपने ही हाथों से बना के। दो दो? हाँ जी। ऐसी भी क्या खुशखबरी है, विलायत में नौकरी भी लग गई क्या? नौकरी तो लगी है पर विलायत में नहीं, अपने ही देश में। बहुत खूब, अपने ही देश में। कहाँ? यहाँ। यहाँ? अरे वाह बहुत बढ़िया है, मिठाई मत भूलिएगा। हाँ जी हाँ जी। बाबा आपने आपके जीवन के इतने सारे साल नाटको फार्मा को दिए हैं, इतना लंबा और इतना मजबूत रिश्ता कैसे? इस रिश्ते की बुनियाद है नेटको ग्रुप के तीन मजबूत सिद्धांत, परिश्रम प्रगति प्रकृति। वाह नेटको की नई पीढ़ी को सुनकर अच्छा लगा। नेटको सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक मजबूत उदाहरण है जिसने 40 साल का सफर तय किया है। विशेष दवाइयों को सुलभ बनाने के लिए बनाया गया ये फार्मा डिवीजन आज विश्वास, अखंडता, आदर और पारदर्शिता पे खड़ा है। अपनी गुणवत्ता के दम पर ही इस डिवीजन ने सारी सीमाएं पार की हैं।
और अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचा है। आज 40 साल के बाद भी ये डिवीजन लगातार नवोन्मेष कर रहा है। रिश्ते निभाना कोई आपसे सीखे, खाना बनाना भी। बिल्कुल, भूख लगी है? हाँ बाबा। चलिए जुगलबंदी में काम करने का मजा ही कुछ और होता है। बिल्कुल, वैसे जैसे आपका फार्मा डिवीजन और हमारा क्रॉप हेल्थ साइंसेस डिवीजन। अच्छा बेटा, तुम्हारा क्रॉप हेल्थ साइंसेस डिवीजन, जरा बताना बेटा इस डिवीजन के बारे में। बस बाबा ये समझ लीजिए कि हम अपने बारे में नहीं, किसानों के फायदे के बारे में सोचते हैं। नैटको अपनी ऑर्गेनिक रसायन की विशेषज्ञता और विविध सेक्टरों में अनुसंधान को माध्यम बनाकर किसानों के विकास के लिए एग्रीकेमिकल सेक्टर में प्रवेश कर रहा है। मार्केट की क्षमता की सही जांच और अपनी खुद के हिम्मत के दम पे नैटको सुरक्षित और अतुल्य पदार्थों का निर्माण कर रहा है, अपने किसानों के लिए, अपने ही देश में। तो इसका मतलब किसानों के फायदे के लिए सारे सही पदार्थों का निर्माण हो रहा है। जी बाबा, और मुझे R&D डिपार्टमेंट में लिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ अपने गांव आकर अपनी मिट्टी पर परीक्षण करने का प्रस्ताव रखा। कितनी अजीब बात है ना, तुम इस उम्र में ही गांव चले आए काम करने के लिए और मैं रिटायरमेंट के बाद। तो क्या हुआ, जुगलबंदी रहनी चाहिए बस। आपको पता है नैटको ने नए नए भागीदारों के साथ सामरिक गठबंधन भी किया है ताकि वे साथ मिलकर किसानों तक फायदा पहुंचाने के नए रास्ते ढूंढ सके। क्या हुआ बाबा, ऐसे देख रहे हो? सोच रहा हूं जिस जुनून से तुम इस डिवीजन के बारे में बात कर रहे हो उसी जुनून से काम भी करोगे। जरूर करूंगा, जिनके लिए हम ये कर रहे हैं वो सारे देश का पेट भरता है। हमारा डिवीजन किसानों को उनकी मांगों से जोड़ने के लिए बना है। हमने नेल्लूर आंध्र प्रदेश में नई सुविधाएं बनाई हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट और फसल सुरक्षा के लिए नए प्रोडक्ट्स दोनों के उत्पाद के लिए। हाँ, वाह क्या बात है, किसान ही भगवान है, इसलिए तो उनके लिए इतनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं हम। नैटको का उद्देश्य है पर्यावरण के अनुकूल बढ़िया क्वालिटी के कीटनाशक, शाकनाशक और फफूंद नाशक पदार्थों का निर्माण। ये उत्पाद फसल और पशु दोनों के लिए एकदम सुरक्षित होंगे। नैटको फेरोमोन टेक्नोलॉजी का उन्नत रूप में इस्तेमाल करते हुए कीट और फसल के नुकसान से निवारण करने के लिए अद्वितीय पदार्थ बना रहा है। इस क्रॉप हेल्थ साइंसेस डिवीजन के जरिए नैटको सबसे उत्तम पदार्थ अपने ही देश में बनाएगा और किसानों तक वाजिब दामों पर पहुंचाएगा, और वो भी सुरक्षा के सारे मापदंडों को ध्यान में रखते हुए। हमारी सुविधाएं एकदम आधुनिक है और सारी मशीनरी एकदम उत्तम। हमारे बनाए गए एग्रोकेमिकल्स और बायो कीटनाशक किसानों तक रक्षात्मक पैकेजिंग में पहुंचाए जाएंगे ताकि नकली पदार्थों का अतिक्रमण रोका जा सके। एक बात बोलूं सिद्धार्थ? हाँ बोलिए ना बाबा। मुझे लगता है नैटको फार्मा और नैटको क्रॉप हेल्थ साइंस की जोड़ी कमाल कर जाएगी। उसमें तो कोई शक ही नहीं, आकार बदलता रहेगा लेकिन विचार तो वही है। परिश्रम प्रगति प्रकृति। सारी खुशी आपस में ही बांट लोगे, मेरे घर मिठाई तो पहुंची नहीं। घर चलिए डाके अंकल, गर्मा गर्म हलवा बना के खिलाता हूँ। तुम बनाओगे? बिल्कुल, और थोड़ी शक्कर कम ज्यादा हो गई तो बाबा है ना संभालने के लिए। मजा आ गया, अनुभव और उत्साह एक साथ, ये बोलते ही मुंह मीठा हो गया। परिश्रम करते रहना चाहे परिणाम जो भी हो, प्रगति की ओर कदम बढ़ाना ताकि समय के साथ चल सके, और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सफलता प्राप्त करना, यही है नैटको की बुनियाद।